हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर। तो फ्रेंड्स, जिसने लोगों ने आज क्वेश्चन पूछे हैं, मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ और वो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है लेटेस्ट आर्ट। इन्होंने पूछा है, एक चैनल है आदित्य ब्लॉग के नाम से, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप बहुत अच्छा टिप्स दे रही है, हमें भी ब्लॉग बनाना चाहिए, थैंक यू दीदी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी मोस्ट वेलकम। आपको मैं बता दूं, अभी ब्लॉग चैनल है उसका बहुत ही ज्यादा क्रेज है और जो आदित्य ब्लॉग नाम का जो चैनल है उस पर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, आपको ब्लॉग से रिलेटेड काफी नॉलेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी द इजी वे, इन्होंने पूछा है चैनल मोनेटाइज होने के बाद कितने दिनों में आपका $100 कंप्लीट होता है, आपका चैनल का आरपीएम कितना है, अब तक आपका सबसे ज्यादा मंथली डॉलर कितना आया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो चैनल मोनेटाइज होने के बाद $100 लगभग आपके एक साल में भी कंप्लीट हो सकते हैं, वो आपके वीडियो के व्यूज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपके डॉलर कंप्लीट होंगे। तो इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि आपके $100 कब कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मंथली डॉलर मेरा कितना आया। मंथली डॉलर में यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकती, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट की वीडियो आएगी तो आपको मैं उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खोआ सीजी ब्लॉग से, उन्होंने पूछा सरिता जी, हाल फिलहाल में ब्लॉग के बहुत सारे चैनल आ गए, तो क्या उन सबके बीच हमारा चैनल ग्रो होगा? बिल्कुल होगा, अगर आप मन लगा के काम करते हैं, डेली ब्लॉग डालते हैं, तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा। हम लोगों का इसीलिए ग्रो नहीं हो पाता चैनल, क्योंकि हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े चैनल है ब्लॉग के या किसी और कैटेगरी के, तो हमारा चैनल शायद उसके बीच में ग्रो ना हो। पर आपको ये नहीं सोचना है, आपको लगातार अपनी वीडियो को बनाते रहना है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारी वीडियो वायरल कब हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए आप लोग रेगुलर वर्क करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नैनो एग्जामिनर ने पूछा है, चैनल मोनेटाइज कराने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या गलती नहीं करना चाहिए, और जिन्हें कुछ नहीं पता वो अपना चैनल कैसे मोनेटाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, चैनल मोनेटाइज कराने के लिए आप सभी को पता होगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम की जरूरत होती है, और हमें उस पर ये गलती नहीं करनी है कि किसी की वीडियो को कॉपी करके हमें अपने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग डायरेक्ट वीडियो बनाते रहिए, बस अपना कंटेंट डालिए, और आप लोग दूसरे का कंटेंट चोरी करके अपनी वीडियो मत मिलाइए, क्योंकि उससे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और हमारी वीडियो डिलीट भी हो सकती है, हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल सौरभ 77, इन्होंने पूछा है शिखा कौन सी क्लास में है, वैसे मैं किसी को कहता तो नहीं हूँ, बट उससे कह देना वो बहुत क्यूट है। तो थैंक यू सो मच, वो खुद ही सुन लेगी वीडियो देख के, वो अभी बीए थर्ड ईयर में है, मतलब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एसकेजी सुपरहिट चैनल, उन्होंने पूछा सरिता पटेल जी, आप जानकारी अच्छी देती हो, वैसे बिजली वाली वीडियो देखने में बड़ा मजा आया, मैंने अपने कई दोस्तों को शेयर भी की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंस्टा रील शॉर्ट्स, इन्होंने पूछा है मीटअप कब करोगी बरेली गार्डन में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी स्टोरी लगा दूंगी, अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग यस या नो में अपना आंसर दे देना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझे फॉलो करके रख लीजिए, जब भी मैं स्टोरी लगाऊंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामनाथ ठाकुर, इन्होंने पूछा है मोनेटाइजेशन इनेबल होने के कितने महीने बाद $100 हो जाता है दीदी। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया, आप लोग वहीं पे देख के समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशन ऑनलाइन टेक्निकल, इन्होंने पूछा आप महीने में यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं मैडम। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपसे क्लियर नहीं करूंगी कि अभी कितनी अर्निंग होती है, आप लोग मेरे व्यूज देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे मंथली इससे कितनी अर्निंग हो जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पूनम पटेल, इन्होंने पूछा अपना वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाओ प्लीज। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे अपनी वीडियो लेके आऊंगी, आप लोग पूरा सपोर्ट करना, इस पे जल्दी मेरी वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश अक्कुइनो ने पूछा है वीडियो को वायरल करने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है जिससे वीडियो रैंक करे, ऐसा क्या करना चाहिए हमको। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपकी वीडियो रैंक कर जाए, क्योंकि ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो सभी लोग अपने चैनल पे यूज़ कर लेते, वीडियो आपकी कब वायरल हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं, इसीलिए आपको रेगुलर अपना वर्क करते रहना है, वीडियो आपकी एक ना एक दिन कोई सी भी वायरल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एम के मुस्ताफिजुर एस के, इन्होंने पूछा है वीडियो सर्च में नहीं आ रही है, डिस्क्रिप्शन ठीक ही, टैग ठीक है, टाइटल ठीक है, थंबनेल ठीक है, लेकिन सर्च में नहीं जा रही। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे ऑलरेडी पहले से वीडियो बनी हुई
हुई होंगी, और आप लोग अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनाते होंगे तो उस पे आपकी इतनी जल्दी सर्च में नहीं जाएगी वीडियो। आप अगर तुरंत बना रहे हैं आपकी वीडियो तुरंत सर्च में नहीं जाएगी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी काफी वीडियो है जो अब सर्च में जा रही है 2-4, 4-6 महीने के बाद। तो आप लोगों को इस बात से टेंशन फ्री रहना, आपकी वीडियो कभी भी सर्च में जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रजत पटेल ब्लॉग से, उन्होंने पूछा है अगर तुम फेमस हो जाओगी तो तुम्हें घमंड आ जाएगा या नहीं, पिक माई क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रजत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले तो आपको बोलने की तमीज नहीं है कि यहाँ पे आप तुम करके बोल रहे हैं या आप करके बोल रहे हैं, आप वैसे कैसे भी बोल सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा इतना तो मैनर्स होना चाहिए कि आप कितने छोटे हो। और यहाँ पे मैं आपसे आप करके बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोलने का थोड़ा आपको सलीका आना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, घमंड आए या ना आए पर लोगों को जरूर लगता है कि हमारे अंदर घमंड आ गया, क्योंकि लोग अगर एक मैसेज भी करें तो उसका भी रिप्लाई हम ना दें तो हमारे अंदर घमंड है। मानो हमारे पास केवल एक ही मैसेज आ रहा है तो अगर हम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो हमें लोग घमंडी समझेंगे। और अगर घमंडी समझते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घमंडी समझे या ना समझे, पर मेरे अंदर घमंड नहीं आएगा। मैं सभी की हेल्प करूंगी वैसे ही, अगर मुझे कोई लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओए सैफीनो ने पूछा, मेरा चैनल रिव्यू में से वापस नहीं आ रहा है, 26 दिन हो गए आज। तो मैं आपको बता दूं, आपका चैनल 2-3 बार रिव्यू में चला गया है, इसीलिए आपका चैनल इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे यूट्यूब के पास चैनल होंगे इसीलिए वो टाइम ले रहा है, आपका चैनल जल्दी ही आ सकता है, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंशुल ट्रैक्टर लवर, इन्होंने पूछा है ईमेल आने के कितने दिन बाद पैसा आता है यूट्यूब से। तो मैं आपको बताऊं, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 4 दिन में भी आ सकता है, और कभी कभी आपका 15 दिन में भी आ सकता है। तो इसका कोई भी अभी क्लियर नहीं है, जब मेरी पेमेंट आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके दिल में रहता हूं, इन्होंने पूछा है एक ही टाइटल पर वीडियो अपलोड करने से चैनल मोनेटाइज होगा। तो हाँ होगा, पर आपकी वीडियो अलग अलग होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप एक ही वीडियो को कॉपी करके बार बार अपलोड कर रहे हैं। आपका हर कंटेंट, अगर आप एक ही टाइटल पे वीडियो बना रहे हैं पर आपकी वीडियो हर बार नई बनी हुई होनी चाहिए, आपकी सेम टू सेम वही वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।